हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा अग्रवाल आज आपको ये टेंपल पैटर्न बता रही हूँ। ये मेरी सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। ये वाला पैटर्न सिंधी कढ़ाई से करते हैं। तो जिस तरह से हम करते हैं, हमेशा राइट की तरफ जाके उस तरह से लेंगे। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, हमारा धागा राइट की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ एक टका लेंगे, यहाँ धागा हमारा ऊपर रहेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर हम धागा अंदर डालेंगे। अंदर क्यों डाल रहे हैं? नीचे, क्योंकि हमारी लाइन जो बन रही है इस तरह की बन रही है, और इसके जस्ट पैरेलल इस बनी हुई लाइन में ये ऐसी लाइन अभी बनी नहीं है। इसको देखते हैं कि नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा इसका कच्चा टाका टुकड़ों में होगा और इसकी फीलिंग भी थोड़ी टुकड़ों में ही जाएगी। अब यहाँ तक धागा आया, हमें चेक करना है कि ये धागा इस लाइन में इसके ऊपर रहेगा कि नीचे। ऐसी लाइन बन रही है, तो इस ऐसी लाइन के लिए यहाँ चेक करेंगे, लाइन बनी नहीं है, ये भी नहीं बनी। डायरेक्ट इससे देखते हैं, ऊपर है, यहाँ जो जाएगी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये लाइन हमारी नीचे गई है, तो ये कॉर्नर भी हमारा नीचे ही जाएगा। इसको ले लेते हैं और ये अंदर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ पर हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि देखिए ये नीचे है, ये भी नीचे है, तो ये ऊपर, और ये ऊपर है तो हमारे ये नीचे चला जाएगा। इस तरह से ये वाला तो आ गया। सेम इसी तरह से हम ये वाला क्रॉस को बनाएंगे। तो यहाँ से लेंगे, राइट की तरफ जाना है, तो इससे पहले हम सीधा लें, ये हमें क्रॉस करना है। ये ऊपर है, यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ना, यहाँ ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से इसको लेंगे, ये हमारा ऊपर जा, ये ऊपर लेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा। फिर हम इसको देखेंगे, ये वाले को, ये हमने क्या किया, नीचे, तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे चला गया। इस तरफ ले लेते हैं, यह हमारा धागा चेक करना है। तो देखिए ये वाला क्या है, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसको लेंगे, यहाँ लेते हैं, नीचे इधर आ जाएगा। यहाँ नीचे, फिर ऊपर, और ये देखिए ये नीचे है, ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से ये दो बॉक्स बन गए। अब ये स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये आगे तक जाएगा। इसको देखेंगे, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ऊपर, यहाँ लेते हैं, यहाँ ऊपर डालेंगे, ये अंदर डालेंगे, फिर ऊपर रहेगा, यहाँ आएंगे, यहाँ देखना ही धागा चेक, तो ये क्या है, नीचे, फिर ऊपर, फिर ये जाएगा नीचे। इसको लेते हैं, यहाँ लेंगे ऊपर, क्योंकि देखिए ये वाला धागा ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ लेते हैं, यहाँ हमारा धागा चेक अंदर, यहाँ लेंगे तो ऊपर, ये। अब इस तरफ आते हैं, यहाँ देखेंगे धागा हमारा कैसे जा रहा है, यहाँ जाएगा ऊपर और ये भी जाएगा ऊपर, फिर इसको अंदर डाल देंगे और यहाँ लेंगे, यहाँ देखते हैं ये अंदर जाएगा, फिर ऊपर रहेगा, यहाँ लेंगे, यहाँ धागा हमें चेक करना है। ये देखिए नीचे है, तो ये ऊपर, फिर ये नीचे, क्योंकि इसका ये धागा ऊपर है। इस तरफ से लेंगे, यहाँ देखेंगे ये नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर और ये नीचे, फिर ऊपर, यहाँ लेते हैं, ये देखिए ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर और ये नीचे, यहाँ तक निकालेंगे। इसको चेक करेंगे, ये ऊपर है तो ये नीचे। इस तरह से इसका कच्चा टका कंप्लीट होता है। अब इसको हम फिलिंग कर लेंगे।
इसके लिए मैं जो थ्रेड यूज़ कर रही हूँ ये रफ़ एंड टफ के थ्रेड हैं, कॉटन थ्रेड। मैं दो तीन तरह के थ्रेड यूज़ करती हूँ, JMC के और रफ़ एंड टफ और 555। तो ये JMC का नहीं है, ये रफ़ एंड टफ का है। JMC से मैंने ये ब्लैक बॉर्डर बनाया है। ये JMC की लच्छी आती है और ये रफ़ एंड टफ में ये आता है, क्या बोलते हैं, रील आती है। तो दोनों ही शाइनिंग करते हैं और स्मूथ हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हो। फिलिंग के लिए देखेंगे तो लेफ्ट साइड से ही निकालते हैं हम बॉक्स के, तो हम वो इसी तरह से बनेगी फिलिंग जिस तरह से हमने कच्चे टाका टुकड़ों में किया है। यहाँ फर्स्ट में नीचे जाएंगे, यहाँ पर छोटा स्पेस मिल जाएगा हमें बाहर में। कई बार बताया मैंने कि हम नीचे क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसके साइड का धागा ऊपर होता है, इसलिए हम इसे नीचे डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम ये धागे को ऊपर रख रहे हैं, तो क्योंकि इस तरह का धागा क्या है, नीचे है, तो हम ये धागा ऊपर जा रहे हैं और छोटे स्पेस में निकालते हैं फिर। और फिलिंग में अगर या तो ये छोटा स्पेस मिलेगा या फिर हमें बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर अगर अपनी तरफ से देखेंगे तो ये फर्स्ट पड़ेगा, जैसे ये बॉक्स मिला तो बॉक्स का फर्स्ट में नीचे लेफ्ट साइड, बॉक्स का लेफ्ट कॉर्नर इस बॉक्स के अंदर जा रहे थे, ये बॉक्स का लेफ्ट साइड का फर्स्ट में नीचे, फिर ये बाहर से इस तरफ। अब इसको लेंगे फर्स्ट में नीचे, इधर लेते हैं, ये जाएगा बाहर, फिर ये फर्स्ट में नीचे। सिंधी कढ़ाई के हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप एक एक करके सबको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी है कुछ वीडियो की, तो आप चेक कर सकते हैं कौन से वीडियो के नाम से है, सिक्स कॉर्नर पैटर्न के नाम से है, तो आप देख सकते हैं। स्मोकिंग का भी एक आध वीडियो है मेरा, फर्स्ट में नीचे बॉक्स के अंदर चले गए, फिर ये जाएगा फर्स्ट में नीचे। यहाँ लेंगे फर्स्ट में नीचे गया बॉक्स के अंदर, फिर ये छोटे स्पेस में, यहाँ जाएंगे फर्स्ट में नीचे, ये बॉक्स के अंदर, और ये जाएगा हमें मिलेगा छोटा स्पेस। ये धागे इतने स्मूथ है कि कहीं पे नॉट पड़ने का मतलब नहीं लगता, बहुत स्मूथली बनते हैं। ये फर्स्ट में नीचे, यहाँ पर छोटा स्पेस मिलेगा हमें। अब यहाँ पर हमें चार धागे मिले, तो हम लेंगे फर्स्ट में नीचे और ये थर्ड में नीचे, यहाँ लेंगे फर्स्ट में नीचे और ये छोटा स्पेस, फिर इस तरफ लेंगे चार वाले धागे फर्स्ट में नीचे और ये थर्ड में नीचे, यहाँ लेंगे फर्स्ट में नीचे छोटा स्पेस मिलेगा हमें, और फिर ये फर्स्ट और ये थर्ड नीचे जाएगा धागा, ये फर्स्ट जाएगा हमारा नीचे। अब इस तरफ आएंगे, ये छोटा स्पेस मिला। अब यहाँ पर देखते हैं हमें फर्स्ट और थर्ड मिलेगा थर्ड में नीचे, ये फिर फर्स्ट में नीचे और ये यहाँ पर फर्स्ट में नीचे, बाहर के छोटे स्पेस मिलेंगे, ये जाएगा फर्स्ट में नीचे, यहाँ लेंगे, यहाँ देंगे फर्स्ट में नीचे और ये बॉक्स के अंदर, फिर ये छोटा स्पेस मिल रहा है और यहाँ फर्स्ट में नीचे। इस तरफ ले लेते हैं, यहाँ लेंगे फर्स्ट में नीचे, यहाँ भी जाएगा फर्स्ट में नीचे, फिर ये इस तरह का ज्वाइंट पैटर्न का हमने काफ़ी बार फिलिंग किया है, मैंने बनाए हैं काफ़ी बार, तो आप देख सकते हो थोड़ा धागा फंस है। यहाँ लेंगे छोटे स्पेस में, ये जाएगा छोटा स्पेस, फिर ये फर्स्ट, इधर लेंगे छोटा स्पेस, फिर ये चार धागे मिलेंगे, छोटा बॉक्स छोटा लग रहा है हमें, तो हम इसको निकालते हैं। फर्स्ट और थर्ड में नीचे, फिर ये फर्स्ट में नीचे और ये जाएगा छोटे स्पेस में। अब ये लेंगे फर्स्ट में नीचे, यहाँ जाएगा फर्स्ट बॉक्स के अंदर, ये छोटा स्पेस, फिर फर्स्ट में नीचे बॉक्स के अंदर,
फिर ये छोटा स्पेस, ये निकलेगा और फिर ये फर्स्ट और ये थर्ड। फिर इस तरफ से लेंगे ये फर्स्ट और ये थर्ड, यहाँ पर से लेंगे छोटे स्पेस से और जहाँ से हम शुरू किए थे वहाँ तक एक टाका हमारा, एक बार का कच्चा टाका पक्का टाका होता है। अब हम करेंगे इस बॉक्स के चार ओर, यहाँ से फिर इस बॉक्स के ये चार बॉक्स हमें चार ओर से करना है। तो हमें लेफ्ट साइड ही दिखना चाहिए कि हम लेफ्ट साइड से ही जाएं। तो हम इस तरफ से जाते हैं फर्स्ट में नीचे, फिर ये बॉक्स के अंदर, ये फर्स्ट में नीचे और ये थर्ड पड़ेगा क्योंकि हम रिटर्न आ रहे हैं। तो ये नीचे और इधर से देंगे देखेंगे तो फर्स्ट और ये पड़ेगा थर्ड, नीचे जाएगा जो, इसको यहाँ पर बंद करेंगे। अब यहाँ पर से लेंगे लेफ्ट साइड से ये, यहाँ हमें चार धागे मिल रहे हैं तो फर्स्ट और ये थर्ड, ठीक है। इधर देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट। अभी हमारा क्या किसके साइड, इस बॉक्स के चारों ओर से हम ले रहे हैं फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। ये लेंगे फर्स्ट और यहाँ जाएगा ये थर्ड। अब इसके बाद एक ऊपर वाले हमें देखना है बॉक्स दो, उसको फिल करना है तो हमें लेफ्ट साइड ही चूज़ करना है। तो हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट साइड से ये और इस बॉक्स के चार ओर जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट नीचे और ये थर्ड नीचे, यहाँ जाएगा फर्स्ट नीचे और ये थर्ड नीचे। तो ये हम डाल रहे हैं जो फर्स्ट में नीचे और ये बॉक्स के अंदर। अब ये पड़ेगा थर्ड थर्ड, तो हम इसको भी नीचे ले लेंगे और यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे। एक लेफ्ट साइड से और देखते हैं तो ये वाला मिल रहा है हमें लेफ्ट साइड, है ना। अब किसके साइड होगा, इसके, तो ये फर्स्ट और ये थर्ड। फिर जाएगा यहाँ पर फर्स्ट और ये थर्ड। अब यहाँ जाएगा फर्स्ट और ये थर्ड, ये भी जाएगा फर्स्ट और ये थर्ड। जहाँ से शुरू कर रहे हैं हम घूम के वहाँ तक हमें पूरा इसको लेके आना है। इससे क्या होगा कि हमारा फीलिंग पूरा कंप्लीट होगा। देखने में ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेंपल पैटर्न है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।